रेवटी मैया कि मैंने जे जौ दिया हज करबे बिहारी वालन के हाथ रही ता सगरो राज करबे। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं एच न्यूज़। दोस्तों, भोजपुरी में हर दिन नए नए गाने आते रहते हैं, कभी अच्छे गाने आते हैं तो कभी ख़राब गाने आते हैं। लेकिन बात करें अच्छे गाने की तो बहुत कम ऐसे गाने होते हैं जो अच्छे होते हैं और बहुत कम ऐसे सिंगर हैं जो अच्छे गाने लाते हैं। फिलहाल अभी हमारे साथ हैं उधारी बाबू जी और गौरव सिंह राजपूत जी, भोजपुरी के बहुत ही अच्छे कोरियोग्राफर हैं और गाना लाए हैं बिहार वालन के साथ, बहुत ही अच्छा गाना है। आइए इनसे रूबरू करवाते हैं। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। थैंक यू सो मच। को लगा था नहीं एच न्यूज के जो भी देखा था वहाँ के हम प्रणाम करते नहीं, वहाँ का प्रणाम करते नहीं। आपको भी प्रणाम है भैया, आपका बहुत जो भी एच न्यूज देखा था भैया सबको प्रणाम है हमारे। बिहार वालन के साथ गाना बहुत बढ़िया है, पहले चाहेंगे गाना दो लाइन हो जाए उसके बाद चर्चा करें। कि नाचे आइल बानी देखे के जवानी छुई जानी, देह में न सटी दूर ओने हटी मुई जानी, रेवटी मैया कि मैंने जे जौ दिया हज करबे बिहारी वालन के हाथ रही ता सगरो राज करबे। बहुत प्यारा गाना है और बहुत ही वीडियो इसका बहुत ही अच्छा है। कितना मेहनत लगा और कैसे ये सब हो पाया बताना चाहेंगे भैया? मेहनत तो 2-2.5 महीने से कर रहे हैं हम लोग, लेकिन कंटिन्यू इस एक गाने के ऊपर पर्टिकुलर हम लोग 1 महीने से हमने की मेहनत करते हैं लगातार। मतलब 2.5 महीने से हमने कौन से बनाओ तन जैसे ऐसे काम हो, लेकिन 1 महीने से कंटिन्यू हमने के दिन रात एक कदम बन जाए कि लोकेशन का होगा चाहिए, मॉडल का होगा चाहिए, प्रैक्टिस का होला, प्रॉप्स का लगेगा चाहिए, सेट के डिजाइन कैसे होगा चाहिए। 1 महीना से लगातार हमने के बनारस में हमने की मेहनत करते हैं जा और पूरा मतलब मेहनत में कुछ कमी नहीं की जाए, बाकी भगवान के ऊपर छोड़े बनेंगे भैया। जिस तरह से आप लोग ने मेहनत करके इतना अच्छा गाना बनाया है लेकिन उस तरह से प्यार नहीं मिल रहा है ऑडियंस का, क्या कहना चाहेंगे? अभी हमने के चैनल नया बटे और हमने के फेक व्यू ना चाहिए, जैसे अभी आज के डेट में का बाकी देखा तो हम नाम हम केहू के डालेम कि केहू के गाना हो। लाइक रहे 35,000, कमेंट रहे 17,000, आ व्यू रहे 20,000, तो ओकरा बाद 2 घंटा बाद देखा तो 1 मिलियन नहीं, तो हमने के फेक भी ना चाहिए, हमने के ओरिजिनल चाहिए। खूब मेहनत करब जा भैया, हमने के ग्राउंड लेवल पर जाके जहाँ तक प्रमोट करे कोई हमने के जाए जो गाना को प्रमोट करब जा और ई गाना के जन जन जो भी बिहार के लोग वहाँ तक हमने के पहुँचावे के प्रण ले चुके बनी जा। कैसे ख्याल आया कि बिहार वालन के साथ कॉन्सेप्ट बनाया जाए? और भैया बिहार अद्भुत जगह है जहाँ से भोजपुरी के जन्म भइल आरा जिला, और बिहार वालन के हाथ रही तो सगो राज करबू तो सच्चाई बा। बिहारे चाहेला तब प्रधानमंत्रियों बनल, बिहारे रहेला तो आज खान सर भी जैसे बिहारे के बनी, वहाँ के पढ़ावल लड़का सगर राज करता सर, तो सब मान ली कि बिहार वाला के हाथ रही तो सगो राज करबू। दर्शकों से इस गाने को लेकर कितना उम्मीद है? बहुत ज़्यादा उम्मीद इतना बाकी भैया कहाँ बताई, मतलब का बताई कि अगर हमने के शब्द नहीं के भैया कि अगर वह सब तनि भी अगर सपोर्ट कर दे एक गाना के तो मतलब समझिए कि हमारी जिंदगी बन जाए ना, तो कसम इतना साल से मेहनत करते हैं जा मरे जब तक हम एक रुआ के बात बताए ये गाना सही ना, हमारे हर गाना से उम्मीद रहला और हम हर गाना का सोचने की बढ़िया प्रयास करें, लेकिन ये गाना हमें कुछ ज़्यादा मेहनत कर बन जा और उम्मीद बहुत ज़्यादा बा भैया। बस हमारे तो प्रण बा कि हम मरे से एक पल पहले तक हम बढ़िया काम करते रहें और वह सबके पसंद आई। आप क्या कहना चाहेंगे? आप इस गाने को गाए हैं, इस गाने से कितना उम्मीद है अपने फैंस से, अपने दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? उम्मीद तो बहुत है और प्यार दुलार मिलेगा अभी, उम्मीद बहुत ज़्यादा है क्योंकि बिहार वाले लोग से अरे ब्यास छाप के कितना छापी भैया बोले तो थक गए तो उम्मीद बहुत है और एक्चुअली मैं बिहार से ही हूँ, पहले तो हम बिहार से हैं और इसलिए मैं बिहार पर कॉन्सेप्ट भी लाया हूँ भाई कि हमको बिहार वालों को प्यार दुलार मिले और सब कलाकार को बिहार से प्यार दुलार मिलता है। जितने स्टार बने हैं सब बिहार से ही बने हैं, अच्छे अच्छे लेवल पे जो भी गए हैं, सिंगर आई एक्टर बात नहीं कर रहा हूँ, सिंगर का बात कर रहा हूँ, जो भी लेवल पे बिहार का ही है, तो हम भी बिहार का, हम गया जिला से बिलोंग करते हैं भाई, तो हमको भी उम्मीद यहीं से, तो मैं बिहार वाले पे बनाया हूँ कॉन्सेप्ट भाई, अब देखिए क्या होता है वो तो आप लोगों के हाथ में है। यूपी बिहार वाले जब चाह जाते हैं तो केंद्र में सरकार बन जाता है, तो फिर आपके गाने को क्यों नहीं प्यार मिलेगा? आपसे सवाल रहेगा, आप इतने दिन से भोजपुरी इंडस्ट्री में हैं, क्या एक्सपीरियंस रहा है जो भोजपुरी इंडस्ट्री को बेहतर बनाता है और क्या कमी है जो भोजपुरी इंडस्ट्री को थोड़ा बदनाम या ख़राब करती है? भोजपुरी इंडस्ट्री में कमी निकालने की मेरी औकात नहीं है कि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में कमी निकाल सकूं। कमी है ना महाराज? नहीं, मेरी औकात नहीं है, मैं बहुत छोटा कलाकार हूं। बहुत बड़ा कमी है कि अश्लील को लोग ज्यादा पसंद करते हैं, अच्छे गानों को पसंद नहीं करते। वो इंडस्ट्री नहीं, वो पब्लिक की बात है, वो पब्लिक को पसंद आता है। इंडस्ट्री को मैं बताऊँ कि भोजपुरी इंडस्ट्री में सच्चाई बा कि भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग आधा लोग एक दूसरा गाना देखा बिना कर ला, सच्चाई नहीं देखता है, सब अपना लिंक भेज देगा लेकिन प्रमोट नहीं करेगा। हाँ, प्रमोट अगर सच में अगर जो लोग देख के अगर कर दे तो हमने से छोट कलाकार भी
के गाना भी निकल जाए, गाड़ी निकल जाए तो भोजपुरी नसीब में अच्छा ही है। बाकी लोग देख के बोल तो दे रहा कि अरे उधारी बहुत अच्छा काम की हो, लेकिन ई के हुना कहला ना कि फिर पोस्ट कर दे फेसबुक पर कि हाँ तहार गाना, हाँ हमारा भी गाना कुछ दिन पहले आ रहा जिसमें बहुत लोग सपोर्ट कल सर देव भैया गोलू गोल्ड बहुत लोग सपोर्ट कल सर। हमारा उम्मीद यही से ही बा कि यह बारी भी भोजपुरी गाना देखला के बाद लोग सपोर्ट करी, देखिए मैं रूंगटा खड़ा हो गई कि एक बार सपोर्ट करी और हमारा के प्यार मिलेगा भैया इंडस्ट्री से, हम काहे झूठ बोली। जहाँ तक आपने कहा कि अश्लीलता को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, तो अश्लीलता को बढ़ावा कौन दिया और लत कौन लगाया? कलाकार भैया कलाकारी लगाए हैं, लगाए कलाकारी है, मगर कलाकार मजबूर भी हो जाता है कभी कभी, अच्छा गाते 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 ना, तो जब अश्लील गाता है वो तो उसको पब्लिक से भाई इंटरेस्ट में आ रही है, पब्लिक हमको पसंद कर रही है भाई, तो उसको आओ बढ़ावा मन बढ़ते जाता है, आओ गंदा से गंदा करते जाता है, यही सिस्टम है। क्या भोजपुरी में अच्छे गाने नहीं बजते हैं? अच्छे गाने बजे हैं, अभी तो लगता है अच्छे ही गाना, अच्छे गाना बजा है पवन सिंह जी का, अच्छा अच्छा गाना बजा है, तो उसी बेस पे तो हम लोग भी काम किया ना कि हम लोग भी अच्छा कॉन्सेप्ट लाया जाए भाई, जब बड़े लोग अच्छा काम करते हम लोग क्यों अच्छा काम नहीं करें, अगर हम लोग को सपोर्ट नहीं मिलेगा अच्छा काम करके तो फिर हम लोग तो मर जाएंगे ना भाई, कंपनी हम लोग द्वारा काम कराएगी नहीं कराएगी, अगर रिस्पॉन्स नहीं मिलेगी, अभी 1,500 व्यू जाएगा तो कोई कंपनी कराएगा? इतना बड़ा वीडियो 10 लाख रुपये लगाएगा? कोई नहीं लगा सकता है, क्यों लगाएगा भाई? तो पवन सिंह पीछे नहीं लगा लेगा 15 लाख रुपया जो हमारे पीछे लगाएगा? जो कंपनी हमारे पे इतना विश्वास करके काम किया, तो यही हाथ जोड़ के बिहार के जितने लोग हैं हाथ जोड़ के मैं यहाँ से बोल रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इस गाने को अगर प्यार दुलार नहीं मिलेगा तो मैं समझ जाऊँगा कि भाई इंडस्ट्री सिर्फ मतलब कि क्या उसको बोलते हैं अश्लील के लिए ही है, अच्छे गाने क्यों नहीं बोल सकते? अगर नहीं प्यार दुलार मिलता तो मैं क्यों नहीं बोलूँगा बताइए? भोजपुरी में अच्छे अच्छे गानों को ही मिलता है प्यार दुलार आशीर्वाद जो बोलते हैं सब मिलता है अच्छे अच्छे गाने को। मैं उदाहरण में दे दूंगा नए गाने, अब चांदजी सिंगर का नाम सुने हैं? बिल्कुल मिलन आसमान में हुई कहीं से अश्लील है जिगरी यार जो अभी पब्लिक अच्छा देख रहा है, अच्छा वीडियो, हम तो कहते हैं अच्छा चीज के उतनी देर लगेला, लेकिन हाँ अब जो यूथ बा जो यूथ भोजपुरी इंडस्ट्री के जो देखे शुरू कैले बा रील बनाबे शुरू कैले बा, तो अब लोग जैसे पहले पंजाबी लोग सुन रहे लेकिन अब ना अब भोजपुरी के अश्लील स्किप होता हटाता और अच्छा अच्छा गाना लोग के सुनता, वह उम्मीद से हम निकल बनी भैया कि हमनियों के गाना बा भैया देखिए हमारा रूंगटा खड़ा हो गया बार बार, बड़ा उम्मीद से बनी भैया।